डिस्क्लेमर, ये वीडियो मैं उत्तरायण के दिन शूट कर रही हूं, तो अगर अजीब और गरीब चिल्लाने की आवाजें आए तो चला लेना, समझ लेना किसी की पतंग कटी बटी है। डन। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी लाइफ कोच भानु प्रिया। आज लेके आई हूं द मोस्ट डिमांड वाला टॉपिक, आपका फेवरेट टॉपिक, लेट गो। इतने सिंपल से दो वर्ड ने इतना भूचाल मचा रखा है ना मेरे सब्सक्राइबर्स में। हर रोज मेरे कोई ना कोई वीडियो पे कमेंट आता है, प्लीज मैडम बता दो कि लेट गो कैसे करना है, लेट गो क्या होता है, लेट गो के रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैंने सोचा उन सबको एक साथ में खत्म कर ही देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लेट गो का मतलब क्या होता है। लेट गो मीन्स वो एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे आप कोई चीज अपनी लाइफ में चाहते जरूर हो, लेकिन आप उसको लेके अपने मन में हर वक्त स्ट्रेस्ड नहीं रहते। वो चीज आपको हर वक्त मन में डिस्टर्ब नहीं करती रहती। आप डेस्परेट नहीं हो उसको लेके। आप उसके रिलेटेड एफर्ट्स भी करते हो, टेक्निक्स भी यूज करते हो, विजुअलाइज भी करते हो, सारे एक्शंस लेते हो। आपकी इच्छा भी है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन स्टिल आप डेस्परेट नहीं हो। वो चीज आपको मन में परेशान नहीं करती है। उसका ना होना अभी आपकी लाइफ में, वो थॉट आपको परेशान नहीं करता है। उस स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं लेट गो। क्योंकि जब हम डेस्परेट होते हैं ना कोई चीज के लिए, या कोई चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, तो हमारे मन में उस चीज के रिलेटेड हमेशा एक डर रहता है कि ये होगा कि नहीं, या फिर कब होगा, या हो क्यों नहीं रहा है। ऐसे सब सवाल, ऐसे सब थॉट्स कॉन्स्टेंटली माइंड में चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने लेट गो कर दिया है तो ऐसा कोई भी डर या डाउट आपके मन में नहीं होगा। तो इस वक्त आप ये जज करो कि आप जो चीज चाहते हो लाइफ में, जिस चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसके रिलेटेड ऐसे डर या डाउट वाले थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं कि नहीं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी कुछ टाइम पहले मेरी एक वीडियो पे एक कमेंट आया था, उसका मैं देखो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ। आई लव दिस कमेंट, एक मेरे सब्सक्राइबर ने किया था। तो अब मैं नॉर्मली ऐसे, मुझे कुछ बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे शब्द बोले होते हैं, तो मैं उसको मेरी इंस्टा पे, इंस्टा का जो पेज है उस पे स्टोरीज में डाल देती हूँ, ठीक है, टू शो माय ग्रेटिट्यूड के वाओ मेरे पास कितने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो मैं ऐसे डाल देती हूँ, ठीक है। अब ये जो पर्सन है, मेरे हिसाब से वो मुझे फॉलो नहीं करते थे इंस्टा पे। तो आई जस्ट थॉट कि अगर वो पर्सन मुझे फॉलो करते होते और मैंने ये स्टोरी डाल दी है, मैं नॉर्मली टैग वैग इतना नहीं करती हूँ, तो मैंने जस्ट स्टोरी डाल दी थी और फिर सोचा कि अगर ये फॉलो करते होते तो उन्हें कितना अच्छा लगता कि मैंने उनका प्यार एक्नॉलेज किया पब्लिक में, दैट ओके वाओ आई लव दिस कॉमेंट। बस ऐसा सोचा और फिर भूल गई, ज्यादा स्ट्रेस नहीं हुई मैं कि यार जल्दी देखे तो मजा आएगा ऐसा। आई वॉज जस्ट फीलिंग गुड अबाउट इट कि अगर देखे तो अच्छी बात है। And you will not believe it, within 1 hour I got a notification that the same person जिसने मुझे comment किया था YouTube में, he followed me on Insta। अब ठीक है, कोई इसे coincidence कह सकता है, कोई कुछ भी, लेकिन what I wanted happened, he followed me and he saw my story and he replied me in my story के thank you ma'am, I am that subscriber who wrote this and thank you for acknowledging my love and all। So basically इस स्टेट ऑफ माइंड को लेट गो कहते हैं, जहाँ पे मैं चाहती तो थी लेकिन वो उसके थॉट ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया कि यार हो क्यों नहीं रहा है, यार वो देख ले तो मजा है, यार मेरी स्टोरी 24 घंटे की है, वो कल तक खत्म हो जाएगी। नो, इट जस्ट हैपेंड बाय इटसेल्फ बिकॉज आई वॉज नॉट इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर आई हैड लेट गो द थिंग के ठीक है होगा तो आई विल बी हैप्पी, नहीं होगा तो मैं क्या महसूस करूंगी, उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। नहीं होने वाले फीलिंग और इमोशन पे ध्यान नहीं दोगे ना, उसको बोलते हैं असली वाला लेट गो। सो एक ही घंटे में वो पर्सन ने मुझे फॉलो कर दिया। एंड ये छोटे से एग्जाम्पल से आपको आइडिया आ जाएगा कि लेट गो करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इफेक्टिव है एक्चुअली, कि कितनी जल्दी रिजल्ट आता है उससे। सो लेट गो कोई प्रोसेस नहीं है, कोई मेथड नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ जगह ही नहीं है कोई भी डाउट के लिए, कोई भी फियर के लिए, कोई भी नेगेटिविटी के लिए। आपने उसको गो, लेट गो कर दिया है, गो डाउट गो, ठीक है। अब लेट गो क्या है वो पता चल गया। अब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और कैसे करना है, उसके पहले ये जान लो कि लेट गो क्या नहीं है, बिकॉज बहुत लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं।
लेट गो यानी डेस्परेट नहीं होना है, पीछे नहीं भागना है, राइट? मैंने ये बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्शन ही नहीं लेना है, मेहनत ही नहीं करनी है, टेक्निक यूज करनी बंद कर देनी है। एक जन ने मुझे ऐसा कमेंट किया, आके उन्होंने कहा कि मुझे ना एक डिजायर्ड बॉडी चाहिए, फिट बॉडी चाहिए, तो उसके लिए मैंने दिस एंड दिस सो एंड सो टेक्निक यूज करी है इतने टाइम के लिए, और अब ना मैंने लेट गो कर दिया है, अब आई स्टॉप्ड एक्सरसाइजिंग ऑल्सो। व्हाट इज दिस? लेट गो मीन्स लेट गो फ्रॉम माइंड, नॉट फ्रॉम एक्शंस। फिर कुछ जन मुझे आके पूछते हैं कि मेरा ये ड्रीम है, उसके लिए मैंने दिस एंड दिस एक्शन लिया है, दिस एंड दिस टेक्निक यूज की है, और अब मैंने लेट गो कर दिया है मैम, तो अब मुझे आगे क्या करना है? मुझे एक्शन लेना है कि नहीं लेना है? मुझे टेक्निक कंटिन्यू रखनी है या बंद कर देनी है? मुझे क्या करना है? डियर, अगर आपने लेट गो कर दिया होता ना, तो आप ये सवाल ही मुझे नहीं पूछ रहे होते। आप ये सवाल पूछ रहे हो वो ये प्रूफ है कि आपका दिमाग अभी भी वो चीजें सोच रहा है कि कब आएगा रिजल्ट, आ तो जाएगा ना, आएगा कि नहीं, मैं सब कुछ ठीक तो कर रहा हूँ ना, वरना मुझे ये नहीं मिलेगा। लेट गो का मतलब आपको विश्वास है कि आएगा ही रिजल्ट, कोई कुछ भी बोले, चाहे ना भी बोलती हो ना मैं कि नहीं नहीं इससे तो नहीं होगा, तो भी आपको विश्वास है कि कैसे नहीं होगा, मैं तो करके बताऊंगा, उसको बोलते हैं लेट गो। सो क्लियर हो गया एकदम, एक्शन ना लेने को लेट गो नहीं बोलते हैं, एक्शन हमेशा लेना है, मेहनत हमेशा करनी है, मरते दम तक जब तक नहीं मिले तब तक कोशिश करते ही रहनी है, पीछे पड़ जाना है एकदम, बस दिमाग से पीछे नहीं पड़ना है, डिस्टर्ब होके पीछे नहीं पड़ना है, डर नहीं घुसने देना है, डाउट नहीं घुसने देना है, फुल एक्शन करनी है पॉजिटिव वे में, डन। ये है लेट गो। अब अपन आगे जाते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है, इतना क्यों इसका हाइप क्रिएट हुआ है, कि मैं खुद ये आपको बोलती हूँ कि अगर आपने मन से लेट गो कर दिया ना, कोई चीज यूनिवर्स से मांगी कि मुझे ये चाहिए और मन से लेट गो कर दिया ना, तो आप कोई टेक्निक यूज करो कि ना करो, या इम्पॉसिबल हो चीज तो भी वो हो जाएगी। तो फिर बेसिकली ये जरूरी क्यों है ऐसा मत पूछो, इससे ज्यादा जरूरी और कुछ है ही नहीं इनफैक्ट, क्योंकि लेट गो का मतलब क्या होता है, लेट गो है स्टेट ऑफ माइंड, और हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें सब कुछ डिपेंड होता है हमारे स्टेट ऑफ माइंड, हमारी मन की स्थिति पे ही, कि हमारी मन की स्थिति लेट गो वाली है, एक्सेप्ट करने वाली है, रिलैक्स करने वाली है, या डेस्परेट होने वाली है। चलो आपको ना इसके ऊपर एक मस्त सा एग्जांपल बताती हूँ, मेरा पर्सनल वाला ही है। मैं वीडियोस डालती हूँ यूट्यूब पे, आपको पता ही है, ठीक है, नॉर्मल ठीक ठाक से व्यूज आ जाते हैं मेरे। नॉर्मली मैं एक वीडियो डालती हूँ ना, तो उसपे पहले दिन 200-300 तो आ ही जाते होंगे, ठीक है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, इतने तो आ ही जाते हैं। सो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं, मेरी मार्केटिंग मैनेजर जो है, उनके साथ मिलके हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक वीडियो डालेंगे लव एफर्मेशंस के ऊपर, टू अट्रैक्ट योर सोलमेट, ठीक है, उसका लिंक आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो वो वीडियो हमने डिसाइड किया एंड काफी रिसर्च किया था कि काफी लोगों की ना इसको लेके डिमांड होती है, तो बहुत जोरदार चलेगा ये वीडियो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे ज्यादा, एक्चुअली उनकी थी, वो मेरी मार्केटिंग मैनेजर की, कि ये वीडियो एकदम जोरदार चलना चाहिए, पहले दिन 1000 व्यूज आ जाएंगे इस पे, ठीक है। सो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, तो हमने वो डाला वीडियो। नॉर्मल मेरे वीडियोस पे मैंने आपको बताया कि एक दिन में 200-300 व्यूज आ जाते हैं, उस वीडियो पे रिकॉर्ड है 80 व्यूज आए थे फर्स्ट डे। मेरे आज तक कोई वीडियो पे 80 व्यूज नहीं आए होंगे, नॉट बिकॉज वो वीडियो अच्छा नहीं था या फिर लोगों को वो चाहिए नहीं था, एक्चुअली इट वॉज वेरी मच इन डिमांड, बट कहीं ना कहीं मेरी मार्केटिंग मैनेजर काफी डेस्परेट थी इसको लेके, कि यार ये वाला चल जाना चाहिए वरना मजा नहीं आएगी यार, मतलब शी वॉज एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस थी उनकी इस वीडियो पे। तो ये हमारी जो एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं डेस्परेशन को जन्म देती है, और हम लेट गो नहीं कर पाते उसके रिलेटेड का कोई डर या डाउट या नेगेटिविटी, डेस्परेशन से और एक्सपेक्टेशन से नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। सो जो नॉर्मली नहीं होता वो भी हो गया उस वीडियो में, कि एक दिन में 80 व्यूज आए, समझ में आया? तो अगर आपने लेट गो नहीं किया होगा ना, अगर आप डेस्परेट होगे, अगर आप नेगेटिव होगे उस चीज को लेके, तो जो हो भी सकता है ना वो भी नहीं होगा, समझ रहे हो? जो नॉर्मल है वो भी रिजल्ट नहीं आएगा ना, आपको लगेगा यार हो ही नहीं रहा है, दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। और अगर लेट गो कर दिया होगा, तो वो मैंने जो मेरे अभी वीडियो के स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया ना, कि एक घंटे में वो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर दिया, जस्ट एक बार सोचा मैंने उसमें,
तो ऐसे एक एक घंटे में रिजल्ट्स आएंगे। दिस इज द पावर ऑफ लेटगो, वो प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है, आपके पास चीज लाने का जो टाइम है ना उसको रिड्यूस कर देता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि ये करना कैसे है, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, लेटगो क्या होता है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो हमें अपने आप को धीरे धीरे उस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आना है। अब वो एक ही तरीके से हो सकता है, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे लोग कितने भी टेक्निक्स प्रोसेस मेथड्स बता दे के इस तरह से ये पानी पीने से ने ये ग्लास खाली कर देने से और पता नहीं किस किस तरह से आप लेट गो कर पाओगे, वो होंगे इम्पोर्टेंट टेक्निक्स बट वो सब टेम्पररी है। अगर आपको परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड में आना है कि कोई भी चीज आपको मन से डिस्टर्ब नहीं करती है, तो उसका एक ही तरीका है, बाय बीइंग माइंडफुल। माइंडफुल यानी फुल ऑन प्रेजेंट में रहना, अभी जो कर रहे हैं काम फुल उसी पे फोकस करना, अपने दिमाग में नहीं फिजिकल रियलिटी में रहने को कहते हैं माइंडफुल। ये माइंडफुलनेस के ऊपर मैंने एक लाइव किया था, उस पे डिटेल में समझाया है मैंने कि माइंडफुलनेस क्या होता है, माइंडफुल कैसे रहना है, उसका भी लिंक आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, देख लेना, क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कैसे होना है माइंडफुल। सो स्लो मेथड है, धीरे धीरे आएगा रिजल्ट, लेकिन परमानेंट तो इसी से आएगा, आई गारंटी दिस। सो बेसिकली क्या करना है, फोकस ऑन नाउ, फोकस ऑन प्रेजेंट, फोकस ऑन एक्शंस, एंड अपने आप लेट गो हो जाएगा धीरे धीरे। डन है। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल द पीपल जिनको आपको लगता है ये लेट गो को लेके बड़े बड़े सवाल है, उनके साथ शेयर करो, एंड मेरे को इतना सारा आपका प्यार बरसाते ही रहो कमेंट्स में, लाइक्स के थ्रू, शेयर्स के थ्रू, एंड सब्सक्राइब करके, एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक।